हाथरस कांड में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सीबीआई जांच की निगरानी इलाहाबाद कोर्ट करेगा। अभी यूपी से बाहर ट्रांसफर नहीं होगा ट्रायल। केस दिल्ली ट्रांसफर करने पर बाद में विचार करेगा कोर्ट। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती से कथित गैंगरेप और हत्या के मामले में दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जांच की निगरानी इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस केस के ट्रायल को राज्य से बाहर शिफ्ट करने से इनकार किया है। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की बेंच ने कहा, जहां तक इस केस को दिल्ली ट्रांसफर करने का सवाल है तो पहले सीबीआई अपनी जांच पूरी कर ले, उसके बाद केस ट्रांसफर पर फैसला लेंगे। सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश करेगी। पीड़ित के परिवार और गवाहों की सुरक्षा समेत इस केस से जुड़े सभी पहलुओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट ही देखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि वो हाथरस केस से जुड़े अपने एक आदेश में पीड़िता का नाम हटा दे। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी अपील की थी। 15 अक्टूबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा था। इस मामले में पीड़ित परिवार की वकील सीमा कुशवाहा और वकील इंदिरा जयसिंह ने अर्जियां लगाई थीं। उन्होंने सीबीआई जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या मौजूदा जज से करवाने, केस दिल्ली ट्रांसफर करवाने और पीड़ित परिवार और गवाहों को यूपी पुलिस की बजाय केंद्रीय सुरक्षा बलों की सिक्योरिटी दिलवाने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार द्वारा दिए गए हलफनामे को भी स्वीकार किया, जिसमें प्रदेश सरकार ने दावा किया था कि पीड़िता के परिवार, केस से जुड़े गवाहों को पुख्ता सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। साथ ही केस को सीबीआई के पास ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। पीड़ित परिवार और गवाहों को यूपी सरकार ने 3 स्तर की सुरक्षा दी है। आपको बता दें कि पिछले महीने 14 सितंबर को यूपी के हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद 29 सितंबर को पीड़िता की मौत हो गई थी। पुलिस द्वारा युवती के शव जलाने पर काफी विवाद हुआ था। इसके बाद मामला हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। मामले में फिलहाल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस मामले में पुलिस का दावा है कि पीड़िता का दुष्कर्म नहीं हुआ था। यूपी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में दिए एफिडेविट में ये बात कही थी। इस मामले में योगी सरकार ने ही सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।